तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का ये जो वीडियो सीरीज होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली सीएस ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए 4 सेमेस्टर के अंदर पढ़ना रहता है। और जितने भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार कर लिया है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स तैयार हो चुका है। ऑल ओवर चीजें हो चुकी हैं। अब बारी आता है कि किस तरह से आप चीजों को पढ़ेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, मैं किस तरह से उन चीजों को प्रोवाइड करूंगा आपको। और ये जो आपका आने वाला सेमेस्टर है, यानी जो 4 सेमेस्टर है, अन्य सेमेस्टर के कंपेयर में काफी बेहतरीन जाने वाला है। और इस सेमेस्टर में अगर आप इतनी चीजों को पढ़ लिया, अगर आपने इन रिसोर्सेज को पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं आप नॉलेज के बेसिस पे भी और साथ ही साथ आरजीबीवी एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और शायद ही ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा जो कि हर एक चीज को बारीकी तरीके से आपको बताए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। क्लियर? तो फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? और फ्रेंड, वीडियो में बने रहने से पहले एक बात कहनी है फ्रेंड्स, कि अगर आपको पीडीएफ का प्रोसीजर पता करना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप खुद से उन चीजों को पढ़ सकते हैं, तो बेसिकली आप पढ़िए। और मई या फिर जून या फिर जुलाई में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे टाइम आपके पास 3-4 महीने का है, और इन 3-4 महीने के अंदर अगर आप इधर उधर भटकते हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम को वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और आपको अगर लिखा लिखाया चीज मिल जा रहा है, टू द पॉइंट चीजें आपको मिल जा रही है, तो क्या दिक्कत है? आप कहीं ना कहीं अपने हर समय को बर्बाद कर रहे होंगे इधर उधर जाके, लेकिन सारी चीजों को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको लिखा लिखाया चीज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आइए डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो पॉइंट वाली बात फ्रेंड ये है कि मैथमेटिक्स 3rd का जितना भी कंटेंट है वो तैयार हो चुका है, जितना नोट्स है वो तैयार हो चुका है। और इसके लिए कुछ आपको प्राइस पे करना होगा। बेसिकली ये प्राइस आपको पता है कि कुछ आपको मुझे भी कुछ आउटपुट मिलेगा, तो भी मैं आपको इनपुट दे पाऊंगा, क्योंकि उस चीज को बनाने में मुझे भी कुछ मेहनत लगा है। मेरे बैक में जितने भी सपोर्ट है वो सपोर्ट मुझे करते हैं कि मैं इन चीजों को प्रोवाइड करूं, और ताकि अन्य स्टूडेंट का भला हो सके। और कहीं ना कहीं आप बहुत सारे पैसों को कॉलेज में अदर जगहों पर उड़ा देते होंगे, लेकिन इन सारी चीजों को हटाते हुए भी अगर आप इन पीडीएफ को ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सारे पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता, यानी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इस बात को आप लिख के रखिए, बस आपको सही तरीके से पढ़ना है और टू द पॉइंट चीजें अपने माइंड में फिट करनी है। तो आइए डायरेक्टली, तो फ्रेंड सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स 3rd की बात करूं, तो मैथमेटिक्स 3rd के लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कोर्सेस के अलग अलग दाम मिल जाएंगे। बहुत महंगे महंगे कोर्सेस आपको मिलेंगे, 1000-2000, और नॉलेज कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के खुद चीजों को समझने में सक्षम है तो आप इन सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे भी चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए जो आपका चार्ज रखा गया है, मात्र 199 रखा गया है मैथमेटिक्स 3rd के लिए, यानी 199 रुपए मैथमेटिक्स 3rd के लिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए आपका मात्र 79 रुपीज रखा गया है। क्लियर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपका 89, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आपका 89, और एनालिसिस डिजाइन एंड एल्गोरिथम के लिए भी आपका 89 रुपीज रखा गया है। यानी जैसा कंटेंट वैसा प्राइस मैंने रखा है, और जैसा कंटेंट मैंने तैयार किया उसके अकॉर्डिंग भी ये प्राइस रखा गया है। आप सारे अगर प्राइजेस को एक साथ ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद लगभग आपका 545 रुपीज तक आएगा। लेकिन अगर आप सारे पीडीएफ को एक साथ लेना चाहते हैं तो आप मात्र 500 रुपीज पे करके सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप एक भी पीडीएफ चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक पीडीएफ में भी आप काम चला सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ का लेना चाहें, या फिर सीओए का, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो 500 रुपए में अगर आप 500 रुपए पे करते हैं तो 5 सब्जेक्ट के आपके चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपको। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड कराने का मेन प्रोसीजर ये है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में आप जुड़ जाइएगा। क्लियर? और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, हो सकता है तो मैं डाल दूं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे स्कैनर वगैरह मिल जाएगा जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में उन चीजों को पिन कर दिया जाएगा जो डिटेल होंगी। और साथ ही साथ एक प्रोसीजर ये है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है और वहां से मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट होता है उस स्क्रीनशॉट को भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को भेजते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी, हर एक नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
तो अगर आपको मन हो लेने का तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं। आपके अगर अंदर अगर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटीज है कि आप खुद से पढ़ के, खुद से किताबों का रिसर्च करके उन चीजों को बना सकते हैं तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर बना बनाया चीज मिल रहा है तो क्यों छोड़ना। आप बहुत सारे पैसे इधर उधर उड़ा देते होंगे, एक बार यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्ट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका सेमेस्टर बेहतर गुजर जाएगा, इतनी बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो फ्रेंड आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।